समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की ओर से पूर्व से दिए गए कथित तौर पर देश छोड़ने वाले बयान को लेकर भाजपा के केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आजम खान और ओवैसी जैसे लोग भारत को बदनाम करते हैं। दुनिया में सिर्फ भारत ही की एक ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यकों को इतनी आजादी है। हाल ही में सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपना एक वीडियो बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि देख रहा हूं कि आजम खान का बयान सामने आ रहा है कि मुझे देश के निकालने की तैयारी हो रही है। इसी तरह से ऑल इंडिया मजलिसे इतादुल मुस्लिम के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी को भी गुजरात चुनाव के अंदर बयान आ रहा है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुनिया में किसी भी देश में भारत जैसी आजादी अल्पसंख्यकों को नहीं है, फिर भी आजम खान जैसे लोग भारत में बदनाम करने के लिए कह रहे हैं कि हमें भारत से निकाला जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीए कानून और नागरिकता कानून पर किसी भी विपक्षी नेता, आजम खान, कांग्रेसी नेता, दिल्ली के सीएम केजरीवाल या फिर ओवैसी को जुबान नहीं खुलती। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इन लोगों को जुबान पर खुलती है जब बाटला हाउस जैसी आतंकी घटनाएं होती है। आतंकियों के समर्थन करने वाले जेएनयू गैंग, अफजल तेरी कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाए जाते हैं, तब ये लोग भारत को बदनाम करते हैं। मैं देख रहा हूं आजम खान का बयान आ रहा है कि मुझे देश से निकालने की तैयारी। इसी तरह की भाषा ओवैसी बोल रहे हैं गुजरात के चुनाव के अंदर। मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत के अंदर जो अल्पसंख्यकों को छूट है दुनिया में किसी देश में नहीं है, फिर भी भारत को बदनाम करने के लिए आजम खान शरीके के लोग, ओवैसी शरीके के लोग भारत को एक कह रहे हैं कि मुझे देश से बाहर निकाला जाएगा। कब सीएए कानून, नागरिकता कानून में जिस ढंग से तांडव मचाया, लेकिन न ओवैसी की जुबान खुली, न केजरीवाल की जुबान खुली, न कांग्रेसी की जुबान खुली और न आजम खान की जुबान खुली। इन लोगों की जुबान तब खुलती है जब बाटला हाउस जैसे कांड में आतंकवादियों टुकड़े टुकड़े गैंग जेएनयू में अफजल तेरे कातिल जिंदे हैं ऐसे नारे, मैं शर्मिंदित हूं ऐसे नारे लगाने का जब आता है, तब ये भारत में भारत को बदनाम करते हैं।